मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ उज्जैन के कांग्रेस शहर अध्यक्ष रवि भदौरिया की पत्नी के आकस्मिक निधन के बाद श्रद्धांजलि देने पहुंचे। मीडिया से चर्चा में उन्होंने कहा कि प्रश्न समीप नहीं रोजगार का है, रोजगार के बाद आर्थिक गतिविधि बनती है। आज प्रश्न आर्थिक गतिविधि कैसे बढ़े है। उन्हें मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव में 12 से 13 सीट आने की उम्मीद जताई है। बीजेपी माहौल बनाने में माहिर है। खुद के चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि नकुलनाथ चुनाव लड़ेंगे। राहुल जी भी पहुंच रहे हैं और उनके साथ यात्रा उसमें शामिल हूँ। आज मध्य प्रदेश सबसे बड़ी चुनौती बेरोजगारी है और यही नौजवान जो आज व्यवसाय के लिए रोजगार के लिए भटक रहे हैं, यही निर्माण करेंगे हमारे उज्जैन का हो, हमारे मध्य प्रदेश का हो। जब तक उसको प्राथमिकता ना बनाए, ये सब शो करने से उज्जैन में इन्वेस्टमेंट समिट, ये इन्वेस्टमेंट समिट तो शिवराज सिंह जी ने दिया थे, लाखों का इन्वेस्टमेंट। प्रश्न इन्वेस्टमेंट का नहीं है, प्रश्न इन्वेस्टमेंट आए उसमें रोजगार कितना, रोजगार के साथ आर्थिक गतिविधि बनती है। कोई गाड़ी चला लेता है, कोई ढाबा खोल लेता है, तो आज प्रश्न आर्थिक गतिविधि कैसे बढ़ी। गांव में किराने की दुकान भी चलती है आर्थिक गतिविधि से, किसान की जेब में पैसा हो। मैंने 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया कि ये मजबूती आई, यही आज हमारी प्राथमिकता है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीट मिलने की उम्मीद है, क्या तैयारी है? देखिए मैं सोचता हूँ कि हमारी कम से कम 12 से 13 सीटें आनी चाहिए। मैंने भी कई जगह बात करी है, मैंने कई जगह पहले मैं दौरा करता ही था, अभी भी करूँगा। और ये जो हवाबाजी है, ये माहौल बनाने की बात है, ये हर राजनीतिक दल करती है, पर इसमें बीजेपी माहिर है कि आप माहौल बनाओ। हाल ही में चर्चा चली थी कि आप बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं, आपने मेरे मुंह से कभी सुना? ये आप लोगों ने ही चला दी और सब मेरे से प्रश्न पूछने लग गए। तो अगर खंडन करना चाहिए था, मैंने तो कहा था कि आप लोग पहले पत्रकार खंडन करें। मध्य प्रदेश मैं तो नहीं लड़ा, नकुल लड़ेगा। सर छिंदवाड़ा को लेकर जिस तरीके से बीजेपी पूरी ताकत झोंक रही है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे, कितनी मेहनत आपको करना पड़ेगी छिंदवाड़ा से? छिंदवाड़ा की जनता से मेरी मैंने अपनी जवानी समर्पित कर दी छिंदवाड़ा की पहचान है। यही उज्जैन अगर आते 45 साल पहले, मैं आपको कहता मैं छिंदवाड़ा से हूँ, आप कहते वो नागपुर वाला। आज कोई भी छिंदवाड़ा का व्यक्ति जहाँ भी जाता है अपनी छाती ठोक के कह सकता है मैं छिंदवाड़ा से। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव राहुल गांधी की भारत छोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ उज्जैन पहुंचे। यहां सबसे पहले शहर अध्यक्ष रवि भदौरिया के घर पहुंचे और अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। बाद में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मीडिया से चर्चा में कहा कि मैं महाकाल के दर्शन करूंगा और पूरे प्रदेश के लिए आशीर्वाद लूंगा। आज राहुल जी पहुंच रहे हैं उज्जैन, उनके साथ यात्रा में शामिल होंगा। मधुभाषी प्रदेश के लिए उज्जैन से अमृत बिंडवाल की रिपोर्ट। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मृदुभाषी प्रदेश से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।